नमस्कार, हेल्थ टॉक पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्तनपान कराना कब और कैसे बंद करना चाहिए। देखिए, हर महिला माँ बनने के बाद बच्चे को स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर देती है, लेकिन हर माँ के मन में ये सवाल होता है कि बच्चे को कब तक वो ब्रेस्ट फीड कराएं। दरअसल नई माँ को कोई नहीं बताता या उसको कोई पता नहीं होता बच्चे को स्तनपान कराना कब बंद करना है या कब तक कराना है, क्योंकि ये हर महिला की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन आपकी मदद के लिए यहाँ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। स्तन का दूध आपके शिशु के लिए सबसे ज़रूरी स्रोतों में से एक है, और जब तक आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो स्तन का दूध के बच्चे के पोषण की आपूर्ति करने के लिए काफ़ी नहीं होता। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा के लिए उसे अब अन्य चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में महिलाएँ समझ नहीं पाती और शिशु को ब्रेस्ट फीड कब तक कराने, ये उनके लिए एक उलझन बना रहता है। तो कई बार माँ अपने बच्चे को 2 से 3 साल तक दूध ही पिलाती रहती है। आजकल हालांकि ये थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण होता है। स्तन का दूध आपके बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत ही फायदा पहुँचाता है। ये उचित अनुपात में बच्चे को सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, वहीं एक माँ को एलर्जी बीमारी या मोटापे से भी बचाता है। आपको बता दें, ब्रेस्ट फीड कराने से महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज और ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोगों का खतरा कम होता है, और इससे माँ और बच्चे के बीच का जो बंधन है वो भी मजबूत होता है। इसके अलावा आप ब्रेस्ट फीडिंग रोक सकते हैं। रोकने के क्या कारण हो सकते हैं? स्तनपान एक बच्चे के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन कुछ कारणों से महिलाएं इसे बंद भी कर देती हैं। स्तनपान रोकने का कारण होता है अपर्याप्त दुग्ध उत्पादन। यदि एक माँ अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर पा रही तो उसे जल्दी स्तनपान कराना छोड़ना पड़ता है। अनुचित लैचिंग की स्थिति में अपर्याप्त दूध की आपूर्ति के कारण भी ऐसी स्थिति आती है। यदि आपके ऐसी स्थिति आती है तो आपको दूध उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग रोकने का कारण बच्चे का असंतुष्ट होना भी है। स्तनपान के प्रति कई बच्चों की रुचि नहीं होती, उसके कारण भी उसकी माँ है वो छुड़वा देती है, इससे वो असंतुष्ट और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। स्तनपान रोकने की वजह स्तन के दूध में रुचि ना होना। स्तनपान रोकने की ये दूसरी वजह है। कई बार कुछ समय तक बच्चे माँ का दूध पीते हैं और जल्दी ही स्तनपान वो नहीं करना चाहते, या उनको दूसरे जो हम पदार्थ उनको देते हैं उनका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो दूध नहीं पीना चाहते। स्तनपान रोकने की वजह है पौष्टिक आवश्यकताओं में वृद्धि। बच्चे की पौष्टिक आवश्यकताओं में वृद्धि होने के बाद माँ को स्तनपान रोकना पड़ता है। दरअसल जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, स्तन का दूध उसकी बढ़ी हुई पोषण मांगों को पूरा नहीं कर सकता, जिसके लिए उसे अब ठोस आहार देने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा स्तनपान रोकने की वजह है माँ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या स्वास्थ्य की स्थिति। स्वस्थ नहीं होने पर माँ बच्चे को स्तनपान कराने में सक्षम नहीं होती। कभी कभी कुछ दवाओं के कारण भी माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती। इसके अलावा काम पर लौटने के कारण भी कई महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराना रोक सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद फिर से काम पर लौटना पड़ता है, इससे उनके फीडिंग कराने की आवृत्ति कम हो सकती है या वे पूरी तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर सकती हैं। इसके अलावा कई बार बच्चा काट देता है दांतों से तो उसकी वजह से भी वो उनको स्तनपान कराना बंद कर देती हैं, और उनको कोई निपल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के द्वारा वो पोषण देती हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग रोकने से होने वाली समस्याएं क्या? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने से न केवल आपके बच्चे को कठिनाई अनुभव होगी, लेकिन बल्कि आप खुद भी कुछ बदलावों का अनुभव करेंगी। एक बार जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देते हैं तो आपके हार्मोन्स में बदलाव शुरू हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का स्तर काफ़ी हद तक गिर सकता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। बच्चे को स्तन का दूध पिलाना बंद करने के बाद आपके स्तन बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। इन्हें छूने पर आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा और ये आपको भरे भरे लगेंगे। स्तनों के आकार में वृद्धि हो सकती है, इसलिए ये सलाह दी जाती है अचानक से स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। कुछ महिलाओं को बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने तक पीरियड नहीं होते, ऐसे में अगर आप बच्चे को स्तन का दूध पिलाना बंद कर देंगे तो पीरियड्स शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चे को स्तनपान
कराने से रोकने के बाद महिला का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। हालांकि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि स्तनपान कराने का सही समय कौन सा है। देखिए, एक माँ के लिए बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर्स के अनुसार 6 महीने तक की उम्र तक आप जब तक बच्चे को ठोस आहार देना शुरू नहीं करते तब तक स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। ठोस आहार देने के साथ ही कुछ समय तक आपके बच्चे को फिर भी स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को पोषण मिलता है। जब तक आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आप वेनिंग यानी शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार और भी ज़्यादा मात्रा में देना शुरू करते हैं, तो अब आप स्तनपान रोकने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं होता। बच्चे का दूध छुड़ाना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है आप और आपका शिशु इसके लिए कितने तैयार हैं। अब देखिए, स्तनपान कराने से रोकने के तरीके क्या क्या हैं। स्तनपान रोकने के लिए फार्मूला मिल्क पिलाएं। यदि आप बच्चे को वीन कराना चाहते हैं तो बच्चे की भूख कम करने के लिए वैकल्पिक तरीके तलाशने होंगे। यानी फार्मूला दूध है वो बच्चे की दूसरी पसंद होता है, जो स्वाद में स्तन के दूध जैसा ही होता है। फार्मूला दूध स्तन के दूध की तुलना में हैवी होता है, तो ये आपके बच्चे के पेट को बहुत जल्दी भर देता है। इसके अलावा वेस्ट फीड रोकने के लिए आप बच्चे को विचलित कर सकते हैं। कभी कभी शिशु भूख के कारण स्तन को चूस नहीं पाता, लेकिन वो आपके करीब रहना चाहता है, इसलिए वो स्तनों को मुंह में लगाए रखता है। इस स्थिति से बचने के लिए उसे कभी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करें। इससे बच्चे का ध्यान हटकर कहीं और लग जाएगा और आपको भी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस आहार दे सकते हैं। अब बात यह आती है कि रात में स्तनपान कैसे रोकें। रात में बच्चे को सुलाने के दौरान एक माँ को बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं। आप दिन के दौरान बच्चे को उच्च कैलोरी आहार दे सकती हैं ताकि आपका बच्चा सोते समय पेट को भरा हुआ महसूस करेगा और इससे वो स्तनपान नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान अचानक से बंद नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे पर निर्भर करता है। कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान जरूर करना चाहिए, फिर अगले 6 महीने में उसे ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।